जय हिंद। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था मेरे पास कि सर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को यह भी दिक्कत आ रहा था कोड के रिलेटेड, खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था कि सर कोड को इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दे दिया था कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो कोड को हम डिकोड भी करते हैं, है ना, जैसे एनसीईआरटी का लैंग्वेज है ना, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से ये भी कोड बना दिया है। उसके अलावा और भी क्या है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का चीज है, हम उसे देखते हैं फटाफट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट की बातें कर रहा है, 2021 सेशन की बातें कर रहा है, जो 2021 एंड ऑनवर्ड सेशन होगा उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। यानी ध्यान रहे नीट यूजी के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जहां पर एडमिशन हमारा कहां होगा MBBS में। कौन करवाता है तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कुछ साल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करा था, है ना। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कहने का मतलब क्या, MBBS की बात हम करना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ अब्रिविएशन दे रखा है जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इस्तेमाल किया हुआ है, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे। ये बहुत सारा अब्रिविएशन दे रखा है, हाँ, यहां पर काम क्या है, जो मेन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, आप रजिस्टर करना कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 13th of July से चलेगा, कब तक, 6 अगस्त 2021 तक। 6 अगस्त के रात के 11:50 यानी रात के 11:50 तक एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। फी कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो 7 अगस्त के रात 11:50 तक, ठीक है। ये 3 डेट आपको याद रखना है कि 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त तक चलेगा, 6 अगस्त के रात 11:50 तक, और जो ऑनलाइन फी सबमिशन का टाइमिंग है वो 7 अगस्त 2021 11:50। ध्यान रहे जो ऑनलाइन फी सबमिशन होगा उसको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID और Paytm से ही होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। फी स्ट्रक्चर क्या है, फी पेबल बाय द कैंडिडेट, अगर जनरल कैंडिडेट है और इंडिया के अंदर रहता है तो 1500। जनरल EWS कैटेगरी में आता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आता है तो 1400 रुपये का डिस्काउंट है। SC ST थर्ड जेंडर वगैरह है तो 800, अगर आउटसाइड इंडिया कोई भरना चाहता है तो 7500, है ना। और ये जो 1400, 1500 और 800 के अलावा जो भी प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, GST लगेगा, वो सब कैंडिडेट ही बियर करेगा। अब फॉर्म भर दिए, फी भी पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर बाय द वे फॉर्म भरते वक्त कोई गड़बड़ी हो गया तो उस गड़बड़ी में सुधारने के लिए करेक्शन इन पार्टिकल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, वो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक वेबसाइट को फिर से खोल दिया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, हमसे आपसे किसी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अगर हम फॉर्म भरते वक्त कोई भी एरर हो गया है, नाम में एरर हो गया, किसी भी तरह का एरर हो गया, तो फॉर्म को 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आप इसे एरर को सुधार सकते हैं। फिर 20 अगस्त को CT का अनाउंसमेंट हो जाएगा, है ना, अनाउंसमेंट ऑफ द CT ऑफ एग्जामिनेशन, कहां कहां एग्जामिनेशन होने जा रहा है। एडमिट कब कब डाउनलोड कर सकते हो, तो एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले, यानी जैसे आपको बताया गया है कि 12 सितंबर 2021 को एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो इसके 3 दिन पहले यानी 9 तारीख से या 10 तारीख से डाउनलोडिंग हो जाएगा स्टार्टिंग एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन का डेट सबको पता है 12 सितंबर 2021 जो संडे है, एग्जामिनेशन का टाइम भी आपको पता है 3 घंटे 180 मिनट, है ना। एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है, 2 to 5 PM, है ना। कहाँ सेंटर होगा, डेट क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा, ये सब एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा, ये बाकी सारा कुछ है। OBC का आपको क्रिटेरिया पता है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है या फिर नॉन क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2021 थ्रू द ऑनलाइन मोड में ओनली, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही
रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो, हटाओ यार, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट गार्जियन ओनली एज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एनटीए थ्रू ईमेल। ध्यान रहे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए और फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर आपका, ये दोनों चीज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगा एनटीए की तरफ से आपको ईमेल के थ्रू और फोन नंबर के थ्रू ही भेजा जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन, ये तो हटाओ यार, ये तो फिलहाल किसी काम का नहीं है, ये जरूर ध्यान रहे। हाँ, ये पॉइंट भी काम का है। ये फोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड ये बड़ा रट्टा होता है, हर साल बहुत ज्यादा रायता फैलता है, बच्चों से बहुत मिस्टेक होता है कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए जब अपलोड कर रहे हो। तो भाई यहाँ पर ये जो स्टेप थर्ड है ये वही चीज दे रखा है। अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज कितना होना चाहिए? 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। ध्यान रहे, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा जेपीजी फॉर्मेट में होगा, उसका साइज 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होगा। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि आपके पास एक और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए जिसका साइज 4 इंच से 6 इंच के बीच में होगा और यह भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा, उसका भी साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होगा। तीसरा कंडीशन क्या, जो सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर है, स्पेलिंग एरर है लेकिन सिग्नेचर है, जेपीजी फाइल के फॉर्मेट में ही होगा, इसका साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होगा। यानी सिग्नेचर जो होगा वो भी जेपीजी फाइल में, उसका साइज 4 KB से 30 KB के बीच में। और इन सब के अलावा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाया हाथ का अंगूठा का इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, ये भी फोटो लेकर के जेपीजी फाइल में ही होगा और इसका साइज कितना होगा? 10 KB से 200 KB के बीच में होगा। यानी चार चीज आपके लिए बड़ा, कई बार कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं होता और कई बच्चों को दिक्कत होता है, तो इन चार चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहला क्या कि एक जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा, इसका जेपीजी फॉर्मेट में होगा और साइज कितना होगा? 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होगा, पहला चीज। दूसरा, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा 4 इंच 6 इंच के साइज में, है ना, ये भी जेपीजी फाइल के होना चाहिए और इसका भी साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तीसरा चीज क्या, जो सिग्नेचर है ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और इसका साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होगा। और चौथा चीज कि लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, है ना, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और इसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होगा। चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके आगे क्या क्या दे रखा है, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड बीइंग अनअवेलेबल राइट हैंड थंब इंप्रेशन में भी यूज्ड। अगर बाय द वे आपका लेफ्ट हैंड का नहीं है अंगूठा तो हम आया, कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो राइट हैंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लास 10th पास सर्टिफिकेट जिसका पीडीएफ साइज पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पीडीएफ साइज में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और 50 KB से 300 KB के बीच में होगा, है ना। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में, 50 से 300 KB। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंटल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में ही होगा।
फोटोग्राफी के कंडीशन में दे रखा है कि फोकस नीड्स टू बी ऑन द फेस, 80% फेस कवरेज, उसमें ईयर कान दोनों क्लियरली विजिबल होने चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। फी को हम कैसे पे कर सकते हैं, पे द फी यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, पेटीएम पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड वैलेट, एंड कीप प्रूफ ऑफ द फी सेफली फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, बचा करके रखना है। आगे बात करते हैं, देखते हैं कहां पर क्या काम का चीज है। NDA के बारे में दे रखा है, नीट UG क्या होता है आपको पता है सब, है ना। एक 2.A वाला पैरा आप एक बारी थोड़ा सा जरूर जान सकते हैं कि हम नीट के थ्रू ही, नीट UG जो एग्जामिनेशन होगा इसी के थ्रू आपको MBBS और BDS में एडमिशन मिलेगा, एम्स में भी और जिपमर में भी, है ना। लेकिन हाँ जरूर एक बात और आगे मिलेगा कहीं, AFMC में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन तो नीट के थ्रू ही होगा लेकिन आपको AMC के वेबसाइट पर एक अलग से रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रहे। आगे मैं दिखाऊंगा होगा कहीं ना कहीं, ये सब तो कॉन्टेक्ट। हाँ एक पेपर भी, ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन स्कीम। पहले तो आपको बता दूं कि सिलेबस जैसा था वैसा ही अभी भी है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देवी रखा है, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन हैज नोटिफाइड द सिलेबस ऑफ नीट UG 2021। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस अपेंडिक्स 5 व्हिच इज अवेलेबल एट द NMC वेबसाइट, इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। फर्दरमोर टू रेशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एजुकेशन बोर्ड, द NTA हैज टेकन द डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी फॉर ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट, जो चारों सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, उसके 2 सेक्शन आपको पता होगा बना चुका है, उसमें बी सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलने जा रहा है। अब पैटर्न ऑफ टेस्ट बड़ा फेमस हुआ है, पहली बार ऐसा चेंज हुआ है, मतलब इस तरीके का 2 सेक्शन करके पहली बार ऐसा कुछ आया है बहुत सालों के बाद, है ना। और स्कीम आपको पता होना चाहिए कि स्कीम क्या है, तो मैंने आपको याद होगा जब जिस दिन डेट कैंसिल हुआ था 1 अगस्त वाली, जो पहले अगस्त को नीट होना था जो डेट कैंसिल, मैं उसी दिन आपको बताया था कि पैटर्न चेंज हो सकता है, हो सकता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मे बी इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, वही हुआ है, है ना। क्या किया कि चारों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट में 2-2 सेक्शन बना दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी, है ना। सेक्शन ए में 35-35 क्वेश्चन है चारों सब्जेक्ट में, सेक्शन ए में 35-35 क्वेश्चन है, और ये 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, ये 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 15-15 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15-15 क्वेश्चन है, 15-15 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ऑप्शन है कि 15 क्वेश्चन में से सिर्फ आप 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, 15 में से सिर्फ आप कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 15 में से कोई भी आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये तो बढ़िया चीज हो गया कि 15 क्वेश्चन है, 15 में से सिर्फ हम 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, या 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। कई बच्चे पूछेंगे, सर अगर 15 का 15 कर दूं तो क्या होगा? भाई ऐसा ओवर स्मार्टनेस वाला काम नहीं करना है, 15 का 15 मत करना। अगर 60 के 60 क्वेश्चन कर दोगे तो जो शुरू के 40 क्वेश्चन होंगे उसका तो मार्किंग हो जाएगा, उसको तो उसका नंबर स्कैन हो जाएगा, बाकी पीछे वाले छूट जाएंगे। अगर शुरू वाले गलत हो गए तो आगे वाले अगर भाई सही है तो उसका नंबर नहीं जुड़ पाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना। अब बस दिक्कत इतना सा है, यहां पर मेरे को बस एक प्रॉब्लम लग रहा है कि 180 मिनट का पेपर है 3 घंटे का, पहले हमें 180 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते थे, अब 180 के बदले हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पढ़ना पड़ेगा, 200। अब अगर 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तो 5-10 मिनट कुछ तो टाइम एक्स्ट्रा जाएगा ना, ये ड्रॉबैक है। यहां से आपका टाइम मैनेजमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगा, टाइम मैनेजमेंट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, इसके साथ ही कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज होने जा रहा है, कंपटीशन इंक्रीज होने जा रहा है। कैसे? अब बच्चों को चॉइस मिल गया कि आप बी सेक्शन में जो 60 क्वेश्चन है, उस 60 क्वेश्चन में से कोई भी 40 करें,
तो कंपटीशन नो डाउट इंक्रीज होने जा रहा है। अब कई बच्चे बोल देंगे सर ए और बी सेक्शन में क्या क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा? भाई पैटर्न सेम होगा, क्या लेवल भी सेम होगा? नहीं, लेवल में थोड़ा बहुत 19-19 होगा, सेक्शन ए में थोड़ा सा लेवल कम होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन सेक्शन बी एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का होगा या उसको अप्लाई करके देगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा लेवल होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हाई लेवल नहीं होगा, ऐसा नीट कभी नहीं करेगा, एनटीए कभी नहीं करने जा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल को हाई जरूर बनाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन अभी भी 180 अटेम्प्ट करना है, टोटल मार्क्स अभी भी 720 है, 720 नंबर का अभी भी टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 जरूर है, अटेम्प्ट इतना ही करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रहे, ये पैटर्न में जो चेंज हुआ है ये बड़ा कीमती भी है हमारे लिए, ठीक है। सबको पता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट ही होगा। टू आंसर्ड ऑन द स्पेसिफिकली डिजाइन मशीन ग्रेडेड ओएमआर शीट यूजिंग बॉल पॉइंट पेन। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 3 घंटे का टेस्ट होगा। मीडियम ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी, इतने डिफरेंट लैंग्वेज में होंगे, 13 डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर प्रिंट होंगे। लेकिन किस शहर में कौन कौन से लैंग्वेज के पेपर होंगे वो भी यहां पर दे रखा है, जैसे इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर है इंग्लिश का पेपर तो होगा ही होगा, इंग्लिश और हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, इंडिया के जितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर है वहां इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। अब इंग्लिश और असामीज कहां होगा, तो सिर्फ आसाम के अंदर। इंग्लिश और बंगाली कहां होगा, बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड। इंग्लिश एंड गुजराती कहां होगा, गुजरात, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। इंग्लिश एंड कन्नड़ कर्नाटका के अंदर। इंग्लिश एंड मलयालम केरला एंड लक्षद्वीप के अंदर। मराठी महाराष्ट्र के अंदर। इंग्लिश एंड उड़िया उड़ीसा के अंदर। पंजाबी पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली के अंदर। इंग्लिश एंड तमिल तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। तेलुगु आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इंग्लिश एंड उर्दू ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। तो ये ध्यान रखना है। कहां एग्जामिनेशन होगा, तो सिटी का लिस्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा अलग से। एलिजिबिलिटी ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2021 में हम एडमिशन ले रहे हैं तो 2021 में एडमिशन लेने से पहले तक या 31 दिसंबर 2021 तक आपका एज 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं क्या उस दिन अगर 17 साल मेरा नहीं होगा तो क्या मेरा हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? नहीं, जिस साल आपका एडमिशन होने जा रहा है 2021 के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल एज पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, दे रखा है। आपका डेट ऑफ बर्थ 31/12/2004 से पहले पहले का होना चाहिए या 31/12/2004 में ही होना चाहिए। अपर एज लिमिट क्या है, 25 साल। लोअर एज लिमिट क्या है, 17 साल। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो 30 साल तक दे सकते हैं। ये बढ़िया अच्छी बात है ना कि जनरल के बच्चे 25 साल तक देंगे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एंड जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं वो 30 साल तक ये नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और क्या दे रखे हैं, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। सारे बच्चे इसी के ऊपर परेशान है कि सर कोड क्या है, कोड क्या है, कोड क्या है। तो मैं कोड एक एक आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले कोड फर्स्ट की बातें करते हैं, कोड वन की बातें करते हैं। कोड वन क्या है, तो कुछ नहीं, ऐसे बच्चे जो 2020-2021 यानी 2021 में 12 बोर्ड का एग्जामिनेशन दिए हैं, 12 बोर्ड दिए हैं और उनका रिजल्ट या तो अवेटेड है और या तो रिजल्ट आ चुका है, यानी 12 पास हो चुके हैं। कब, 2021 में, है ना। जैसे कई सारे स्टेट बोर्ड है जहां उनका रिजल्ट आ चुका है, जैसे बिहार का रिजल्ट आ चुका है ना, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, बिहार बोर्ड का मेरे को पता है, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो 2021 में एग्जाम दिए हैं 12 बोर्ड का और या तो उनका रिजल्ट अवेटेड है और या तो रिजल्ट आ चुका है, ऐसे बच्चे क्या बनेंगे, कोड वन।
ठीक है, तो ये कोड वन का कहानी, इसके लैंग्वेज पर मैं ज्यादा विशेष नहीं जा रहा हूं। फिर सेकंड है कोड टू। कोड टू कौन भरने जा रहा है? जो बच्चे पूरी तरीके से ड्रॉपर हैं, पूरी तरीके से जो ड्रॉपर्स हैं, जो 2020 में ही, जो 2020 में 12 बोर्ड पास्ड आउट हैं, जो 12 बोर्ड पास आउट हो चुके हैं 2020 या उससे पहले, 2019 हो सकता है, 2018 हो सकता है, 2017 हो सकता है, यानी 2020 से पहले जो बच्चे 12 बोर्ड पास कर चुके हैं, यानी जो कंप्लीटली ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए क्या है? कोड टू। ये दो सबसे कीमती है ना, कोड वन और कोड टू। एक यहां पर चीज थोड़ा सा अटपटा दे रखा है, पता नहीं है क्या इसमें क्या सच्चाई है, कि जो बच्चे ओपन स्कूल से फॉर्म भरे हैं, जिनका 12 ओपन स्कूल से हुआ या किसी प्राइवेट कैंडिडेट है, तो वैसे बच्चे को नीट एंट्रेंस कम में एलिजिबिलिटी नहीं है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपियर फॉर द नीट। लेकिन इसमें पेटिशन लगा हुआ है, इसके अंदर बड़ा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर काम चल रहा है, अब देखो आगे फैसला क्या होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि ये बच्चे भी एलिजिबल हैं, है ना, जो बच्चे ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरे, ये बच्चे भी एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं कोर्ट थ्री। इंडिया में कई ऐसे स्टेट है जहां पर एक इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन भी कहलाता है, इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए एंड ऑल्सो इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। यानी या तो इंटरमीडिएट कहलाए, प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड, है ना, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश भी कंपलसरी होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कोड थ्री की बातें करेंगे। कई ऐसे इंडियन स्टेट है जहां पर इसी इंटरमीडिएट को, 12 को, प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग इधर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। द प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड प्रैक्टिस टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सिट, ऐसे कंडीशन को कोड फोर। कोड फाइव क्या? ऐसा बच्चा जो 3 ईयर डिग्री कोर्स, जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसके फर्स्ट ईयर में पढ़ता हो और उसके फर्स्ट ईयर में या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट provided the examination is a university examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with physics, chemistry, biology, bio with English at a level not less than a core course, ऐसे के लिए code 5 है। एक ऐसा बच्चा जो BSc examination of an Indian university provided that he she has passed the BSc examination with not less than two of the subject या तो physics, chemistry, biology, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर के पास हो गया है ग्रेजुएशन, तो बच्चे कोड 6 भरेंगे। एंड फर्दर दैट ही सी हैज पास द अर्लियर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी 12 एज से होना चाहिए। कोड 7 क्या है? तो एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 ईयर ऑफ 10+2 स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian university board taking physics, chemistry and bio including practical test in each of the subject and English, ऐसे के लिए code 7। mainly जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो दो चीज के लिए, code 1 भरे या code 2 भरे, तो मैं आपको बता दिया यहाँ पर, बहुत सिंपल मैंने कर दिया कि ऐसा बच्चा जो 2021 में 12 बोर्ड पास किए हैं या फिर 12 बोर्ड दिए हैं और या तो उनका रिजल्ट आ चुका है और या तो रिजल्ट अवेटेड है, ऐसे बच्चे कोड 1 भरेंगे। और ऐसे बच्चे जो ड्रॉपर हैं, यानी 2020 से पहले जो 12 बोर्ड दे चुके हैं, जो कंप्लीट ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? कोड 2 भरेंगे। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर, ऑल इंडिया कोटा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कोटा, ये सब डिफरेंट कोटाज की बात किया हुआ है यहाँ पर। एक और चीज है DU और BHU, ये दो ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पर, और कुछ और भी यूनिवर्सिटी होंगे जो इन जो नीट का रिजल्ट है, नीट का जो स्कोर है, वो अपने किसी दूसरे कोर्स में भी एडमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे BSc ऑनर्स जैसे नर्सिंग कोर्स है और भी बहुत सारे कोर्स है जहां पर नीट का जो स्कोर आएगा उसमें, उस स्कोर के बेसिस पर वो लोग एडमिशन देते हैं।
ये AFMC वाला पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि AFMC पुणे में एडमिशन लेना, सैलरी सब्जेक्ट टू नॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर नीट यूजी 2021 एंड सीकिंग फॉर एडमिशन इन AFMC ऑल्सो नीड टू अप्लाई टू AFMC ऑन WW फलाना। इस वेबसाइट के ऊपर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर अ सेकेंड स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाई AFMC, यानी नीट के बाद भी एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा AFMC का। Candidates are advised to contact AFMC for further and exact detail. The counseling will be conducted by DGHS. ठीक है? ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, SC का ये रिजर्वेशन है। इंडिया में OBC रिजर्वेशन के पीछे भी कुछ मैटर चल रहा है ना, कि OBC के लिए बोला तो जा रहा है नॉन क्रीमी की 27%, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी का कुछ यहाँ पर एक रायता फैला हुआ है, ये आप नोट में पढ़ सकते हैं, है ना, तो ये अलग चीज़ है। एक काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, क्लास 10th का कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWBD एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा PDF, कौन सा JPG, क्या साइज है, फी भी मैं शुरू में बता चुका था। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एग्जामिनेशन हॉल के में एंट्री के लिए 1:30 बजे से पहले पहले आपको वहाँ रिपोर्ट कर देना है। 1:15 सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15 से स्टार्ट हो जाएगा। 1:30 बजे से 1:45 तक इंस्ट्रक्शन आपको बताया जाएगा। 1:45 पर आपको बुकलेट बांटा जाएगा। टेस्ट जो बुकलेट होगा यानी OMR सीट होगा उसके ऊपर 1:50 से आप फिल करना शुरू करेंगे। 2:00 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5:00 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा। और क्या है देखते हैं, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बारे में दे रखा है, क्वालिफाइंग दे रखा है। क्वालिफाइंग तो आप सीधा सा ध्यान रखो, ये कुछ क्वालिफाइंग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमें सीट मिल जाए, गवर्नमेंट सीट मिले, तो आपको कम से कम मोर देन 600 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इससे कम में आज बात नहीं बनने जा रहा है, ये ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा लाओ, जितना ज़्यादा लाओ उतना बेहतर होगा, कम का तो आप सोचना भी मत, चाहे जनरल का हो चाहे OBC के बच्चे हों। 10-20 नंबर SC ST वालों को कम भी हो सकता है। और तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, जो काम का चीज था मैंने आपको बता दिया, वही रिपिटेशन है। काउंसलिंग के लिए मेन दे रखा है कैसे काउंसलिंग किया जाए, और अगर बाय द वे कोई BMS, जस्ट अ सेकंड, कोई अगर BMS, BSMS, BUMS, BHMS में एडमिशन लेना चाहता है उसका क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोफॉर्मा फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू UT ऑफ JK के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, नहीं तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है कुछ।
फिर सिलेबस क्या, एनसीईआरटी पूरा मान लो आप, यहाँ पर सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है ना वही एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस है, उसके डिटेल में है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे कंप्लीट वही है। नीट 2021 का कहाँ कहाँ सेंटर बन सकता है या बनने का चांसेस है तो यहाँ पर दे रखा है ना, अंडमान निकोबार में है, आंध्र प्रदेश में कई सारे शहर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, बिहार में है ना, छत्तीसगढ़ में है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली के अंदर 2001 सेंटर होता है, अच्छा खासा सेंटर होता है दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरे कहाँ कहाँ कितना सेंटर उसके बारे में दे रखा है। डिसेबिलिटी वाला कोई बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल्ड है उसका सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा खासा मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ क्लास 12 एजुकेशन बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास आउट हुए हो है ना, ये ध्यान रखना है। अगर NIOS से हो तो 02, CBSE से हो तो 03 है ना, ऐसे अलग अलग बोर्ड है। अगर इसे यहां पर दे रखा है बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से 08 और बिहार का एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है वो 09, छत्तीसगढ़, दिल्ली स्टेट ओपन, अलग अलग जो बोर्ड है आप देख सकते हो। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश वाले, MP वाले 26 है ना, कोई ओपन स्कूल से अगर बढ़ा है तो 27। ये यहां पर पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में है, गार्जियन के ऑक्यूपेशन के बारे में, कि अगर एग्रीकल्चर में है 01, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किस सेक्टर में उसका कोड दे रखा है, इनकम का कोड दे रखा है कि इनकम का कोड क्या है ना, जो तुम छिपा छिपा के रखते हो है ना, आपके गार्जियन कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसका कोड दे रखा है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसका कोड दे रखा है, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसका एफिडेविट लगा करके जरूर डाल देना, अगर आप अपने माता पिता की एक ही सिर्फ बेटी हैं और उनके अलावा आगे पीछे कोई भाई बहन नहीं है, है ना, तो ऐसे को बेनिफिट मिलता है, तो आप जरूर ऐसे को लगाएं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मर है, ये दे रखा है किसके थ्रू कितना GST लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, किस ATM के थ्रू, किस, वही का यहाँ दे रखा है, बता रखा है। यहाँ पर दे रखा है सैंपल फोटो का, जैसे मैंने बता दिया जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा JPG फॉर्मेट में होगा 10 से 200 के भी, जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा है ना JPG फॉर्मेट में ये भी 10 से 200 केबी के बीच में होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ध्यान रखना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में 10 से 200 केबी और सिग्नेचर जो है JPG फॉर्मेट में 4 से 30 केबी के बीच में होगा। फिर आपको जाकर के NTA के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जाकर करना है, फिर एक बार रजिस्टर कर लोगे फिर आपको सीधा लॉग इन करना है, साइन इन करना है, ये फॉर्म फिलअप का पूरा तरीका है कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए। यही तो था आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर।